गाइस, हमें अपने फर्स्ट राउंड में जीएमसी रतलाम मेडिकल कॉलेज अलॉट हुआ है। चलते हैं एडमिशन कराने के लिए और देखेंगे कैसा मेडिकल कॉलेज। यहाँ से हम लोग निकलेंगे अपने रतलाम के लिए। चलते हैं फिर। चलो चलते हैं अंदर। ये हमारा मेडिकल कॉलेज का हॉस्पिटल और वो है सामने मेडिकल कॉलेज। बाहर से चल के देखते हैं। लंच हो चुका है उनका। वो तो कहते हैं दो दिन रुकना ही पड़ेगा, एक दिन में करेंगे नहीं, इसलिए जा रहे हैं खाना ना खाने के लिए कहीं पे। देखते हैं। पूरा मेडिकल कॉलेज का कैंपस हमारा। ये मेडिकल कॉलेज का एकेडमिक ब्लॉक और ये लाइब्रेरी
अरे यहाँ पे हम लोगों को एफिडेविट बनवाने के लिए जाना है, जो कि कह रहे हैं 2 घंटे बाद मिलेगा, इसलिए इसका इंतज़ार करना है एक बैठ के हमको। हम लोग अभी रतलाम मेडिकल कॉलेज के गेस्ट हाउस में रुके हुए हैं। जैसा मैंने बताया था, मैं एडमिशन की डॉक्यूमेंट्स वगैरह थे उसमें पूरी शाम लगा ली जब तक हमारे प्रोफेसर उठ चुके थे, तो बाद की प्रोसेस हमें आज करनी पड़ेगी। मैं आप लोगों से भी कहता हूँ, जब भी आप एडमिशन के लिए आओ मेडिकल कॉलेज में, तो 2 दिन नॉर्मल भी मान के ना, क्योंकि थोड़ा बहुत टाइम हो ही जाता है डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनाने में, नोटरी के पास जाते हैं क्योंकि फिर लगी रहती है, तो टाइम तो होना ही है, नॉर्मल ही है, इसलिए अपनी व्यवस्था बना कराएं। और ये हमारा गेस्ट हाउस का रूम है मतलब मेडिकल कॉलेज का, जिसमें हम रुके हुए हैं। पूरी फैसिलिटी है यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं, कैंटीन में बढ़िया खाना है, कोई दिक्कत नहीं है कैंटीन के खाने में। मेरे को भी लगा था कैसा खाना होगा, लेकिन सब कुछ बढ़िया होता है। तो आइए आप लोग भी जल्दी एडमिशन कराइए, जल्दी जल्दी नीट को पास करिए। आपको मेडिकल कॉलेज का पूरा व्यू नहीं दिखाया था, जो कि रेजिडेंशियल एरिया है, तो थोड़ा सा मैं यहाँ बैक से दिखा देता हूँ आपको। बाकी अगर मेरा एडमिशन पक्का हुआ तो मैं आपको पूरा मेडिकल कॉलेज ही घुमा दूंगा। वैसे तो मेरे को अपग्रेड कराना है। ये रेजिडेंशियल एरिया है, शायद प्रोसेसर्स वगैरह का और वगैरह डॉक्टर्स वगैरह के लिए। कल मैं एक सीनियर से मिला था, उनका मैं वो यूट्यूब का चैनल देख के मुझे यहाँ की इतनी सारी जानकारी मिली है, शायद आपको इतना देख के और जानकारी मिल जाए आप लोगों को मुझसे। इसका बहुत बड़ा कैंपस है, अभी उस साइड भी है, मैं जा नहीं पा रहा हूँ क्योंकि अभी क्या है, बरसात हो रही है थोड़ी दूर, देख सकते हो आप गीली रखी हुई है सड़कें। तो अगर मेरा एडमिशन हुआ इसमें तो फिर आपको मिलता हूँ मैं, और अब मैं ऐसी ही वीडियो बनाता रहूँगा, ये मेडिकल कॉलेज नहीं तो अगला मेडिकल कॉलेज अगर अपग्रेड हुआ तो। इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए, इसलिए आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तब तक के लिए बाय, और कोई वीडियो बनानी हो एडमिशन से रिलेटेड तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में।